को आप। परवीन बेटा तुम्हारा सूप तैयार हो गया है, पी लो। अरे आपने क्यों जहमत की, अब मेरा अभी दिल नहीं कर रहा पीने को। कैसे नहीं पीना, शक्ल देखिए अपनी, कैसे रंग पीला हो गया, कमजोर हो गई हो। बेटा यखनी पीना बहुत जरूरी है, तुम्हें ताकत मिलेगी। शाबाश, जल्दी से पी लो वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा जी ठीक है। भाई तेरी फुप्पो दिल की बहुत बड़ी दिखली, सारा जेवर उठा के तुझे दे दिया, ऊपर से यही कंगन उनके पास बचे थे जो तुझे दे दिए। हाँ तो किसको देती वो, मैं ही तो उनकी फेवरेट बहू हूँ। और है कौन इस घर में? कौन सी बहू? चहेती, लाडली। हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बस अब उन्हें रुहाब को ना मुट्ठी में कर लो जब तक ये घर तुम्हारे नाम नहीं हो जाता। रहने दो अम्मा, ख्वाब देखना छोड़ दो। ये फूफा जान ना सारा कुछ अपने नाम करके बैठे हैं, बेटों के नाम कुछ नहीं किया। जब बेटों के नाम नहीं किया तो मेरे नाम क्या होगा? चलो तुम्हारे नाम ना सही, तुम्हारे बेटे के नाम सही। भाई आखिर तुमने इस घर को वारिस दिया है, इतना तो तुम्हारा हक बनता है ना। तो दूसरी कमबख्त तो बेटी दे के दुनिया से ही चली गई। मिशाल के होते हुए ये नामुमकिन है, वो तो हमेशा के लिए यहीं पर डेरे डाल के बैठ गई। अम्मा आपको कुछ पता भी है कल मेरी तबीयत क्यों खराब हुई थी? क्यों, क्या हुआ था? कल वो मेरे मियाँ के साथ गाड़ी में बैठ के ना छोटी के बहाने के वो बीमार है उसको अस्पताल लेकर गई और खुद निकल गए वो सैर सपाटे पे। अरे भाई अब एक घर में रहते हैं तुम्हें नजर तो रखना ही पड़ेगा ना। क्या नजर रखूं, सब कुछ सामने है। अरे मैं कुछ पूछ लूं या कह दूं तो रुहाब तो आप पे से बाहर हो जाते हैं। आपको पता है मैंने पूछा कि भाई कहाँ गए थे, इतनी देर की हो गई, तो हाथ ही उठा दिया मुझ पर। क्या उसकी ये मजाल? अरे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी फुप्पो से बात करती हूँ, ऐसी खबर लेती ना ये याद रखती। ठीक है मैं अभी जाके बात करती हूँ। रहने दो अम्मा, अभी खुशी का मौका है, फिर कभी कर लेना बात। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो चुप करके बैठ जाती हूँ, वरना दिल तो ऐसे चाह रहा है कि जाके खरी खरी सुनाऊं और ऐसे जूते पड़वाऊं कि याद करें। अम्मा ये बातें छोड़े, पहले ये बताएं कि मेरे मैके से बच्चे के लिए तोहफे तहफ कब आएंगे? अरे कुछ दो चार जोड़े बना दें, कुछ मुझे सोने की चीज बना दें, ये दुनिया क्या कहेगी कि मैके वालों को फिक्र ही नहीं है। ए बेटा हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तेरे भाई का तो तुझे पता ही है ना, एक घर का आसरा था वो भी हाथ से जाता रहा। कुछ नहीं कहते लोग, तेरी पुप्पो जो है ना हमारे हालात से बहुत बाखबर है, उसे पता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है अब तू इतनी परेशान हो रही है तो चल दो चार जोड़े ले आऊंगी। वैसे तेरी पुप्पो को हमारे हालात का अच्छी तरह इल्म है। अच्छा भाई देर हो रही है मैं जा रही हूँ, तेरे अब्बा घर में। हाँ हाँ मुझे पता है कितना तुम्हें अब्बा का ख्याल है ना, जहां मैंने ऐसी कोई बात की ना अब्बा याद आ गए, जैसे अब्बा डर के बैठे होंगे सोफे के पीछे। बहुत बकवास करने लगी है तो इस घर में आके, बदतमीज। अब्बा का ख्याल ऐसे आता है? चुप कर, वैसे तो आता नहीं। बड़ा अफसोस हुआ हनी भाई को इस हालत में देख के। हाँ पता नहीं क्या हो गया है, अच्छा खासा था मेरा भाई। मुझे लगता है हनी भाई और भाभी को अपनी नई बहू को इतनी पसंद नहीं आई। सही कह रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। बहुत बड़ी गलती की भाभी ने आरफा को अपनी बहू बना के। मुझे तो वो पहले दिन से ही कुछ इतनी खास नहीं लगी, अजीब सी लगी। और वैसे भी उम्र में भी बड़ी है राशिद से, और खानदान भी कुछ ऐसे ही है। जायरा बेचारी के होते हुए कभी भाभी ने पानी का ग्लास भी उठकर नहीं पिया था, और आप देखें बहुत अच्छी थी बेचारी जायरा। खैर अब तो मुझे पता चला है कि उसने अपना केटरिंग का बिजनेस बड़ा अच्छा सेटल कर लिया है। हाँ मुझे पता, मुझे मिशाल ने बताया था, मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा तुम्हें पता है ये केटरिंग का बिजनेस किसने शुरू करवा के दिया उन्हें? अपनी मिशाल ने। अच्छा वो कैसे? भाई वो मिशाल अपनी काम करती थी ना, उसी के ऑफिस में सारा सिलसिला था, उसी ने फिर इनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, बस काम चल निकला, अल्लाह का शुक्र हो गया। ये तो सरासर धोखा है अम्मा, तुम उस आरफा से दो टोक बात करो और वो पता लेकर उसके अम्मा अब्बा की तरफ जाओ ना, वो मासी का जिसे रिश्ता कराया था।
अच्छा अच्छा अम्मा, अब तुम ज्यादा टेंशन ना लो वरना तुम भी बीमार हो जाओगी अब्बा की तरह और बिस्तर पर पड़ जाओगी। अम्मा मेरा मोबाइल खराब हो गया था, ठीक कराने भेजा था। ओहो अम्मा, वो तो तुम अब भी आ सकती हो, तुम्हारी बेटी का घर है, तुम्हारी बेटी का राज है इस घर पे। अब तो वो शामीन भी नहीं है, रोदाब में दूसरी शादी करनी नहीं है, बस जैसा मैं कहूंगी वो ही होगा इस घर में। उसी ने तो जीना दोबर किया हुआ है अम्मा, हर वक्त तो पास कदमों में उसके बैठी रहती है और आजकल तो विशाल की भी चमची बनी हुई है वो, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं ये लोग मिलके। अम्मा मैं तो जरूर रिश्ता, लेकिन वो राजी थोड़ी होगी, अपने आप को महारानी समझती है, परी समझती है, पता नहीं क्या समझती है। मुझे तो लगता है उसका उसकी बेटी का खर्चा सारी उम्र हमें ही उठाना पड़ेगा और वो आपने भी इतना सर पे चढ़ा के रखा है। तौबा, वो मिशाल वो हमारे घर में ही आके बैठ गई, मुझे तो नहीं लगता उसका इरादा कहीं जाने का। हाँ अम्मा, वो चक्कर तो मैंने और हमाद ने मिलकर चलाया था मिशाल को बदनाम करने के लिए, किसी को कानो कान खबर भी तो नहीं हुई थी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं अब्दुल्ला के साथ खेल रही हूँ। कोई जरूरत नहीं अब्दुल्ला के साथ खेलने की, और आइंदा मेरे कमरे में बगैर इजाजत मत आना। चलो चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश। मेरे पीछे ही पड़ गए सारे, जाने नहीं छोड़ते। ओहो अम्मा, वो तो तुम अब भी आ सकती हो, तुम्हारी बेटी का घर है, तुम्हारी बेटी का राज है इस घर पे। अब तो वो शामीन भी नहीं है, रोदाब में दूसरी शादी करनी नहीं है, बस जैसा मैं कहूंगी वो ही होगा इस घर में। अम्मा मैं तो दूर रिश्ता, लेकिन वो राजी थोड़ी होगी, अपने आप को महारानी समझती है, परी समझती है, पता नहीं क्या समझती है। मुझे तो लगता है उसका उसकी बेटी का खर्चा सारी उम्र हमें ही उठाना पड़ेगा। आपने भी इतना सर चढ़ा के रखा है। मिशाल वो हमारे घर में ही आके बैठ गई, मुझे तो नहीं लगता उसका इरादा कहीं जाने का। हाँ अम्मा, वो चक्कर तो मैंने और हमाद ने मिलकर चलाया था मिशाल को बदनाम करने के लिए, किसी को कानो कान खबर भी तो नहीं हुई थी। तुमने मेरी बेटी को अपने कमरे में आने और अब्दुल्ला के साथ खेलने से मना क्यों किया? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में ना आया कर। क्यों मना किया? क्यों नहीं आ सकती वो तुम्हारे कमरे में? अब्दुल्ला कजन है उसका और वो हमारा भी कुछ लगता है। अगर आइंदा तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया ना तो मैं रुहाब से बात करूंगी, समझी? हाँ हाँ जरूर बता दो उसे, मेरा दिमाग ना खाओ, जाओ यहाँ से। अम्मी परवीन की बदतमीजी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। आज तो हद कर दिया उसने, मरियम को कमरे से निकाल दिया और कहती कि अब्दुल्ला को तंग करती है। हमारा प्यार करना भी खटकता है उसे, मतलब हमारा कोई हक नहीं बनता उस पे, हम उसके कुछ नहीं लगते क्या? अम्मी अम्मी आप ठीक हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूं बेटा, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आप कहती हैं तो ठीक है, वैसे मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूं। Thank you.
चलो बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, खाना तुमने पकाया आज? नहीं अबू, मिशाल ने बनाया। मिशाल ने बनाया है? तो और भी मजेदार होगा। आइए, अम्मा कहाँ तुम्हारी इतनी आई था? अबू वो कह रही थी कि उन्हें भूख नहीं है। बेटा उनको शुगर है, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। सर मैं देखती हूँ, मैं बल्कि उनको लेकर आ। प्लीज बेटा। अबू आज पता नहीं अम्मी को क्या हुआ है, उन्होंने दोपहर से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। मैंने खाना भिजवाया था लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं दोपहर में हुआ है शायद कुछ। मैं देखूं। अरे पुप्पो, आप इस तरह अकेली यहाँ पे बैठी हैं? शगुफ्ता ने मुझे बताया कि आपने कुछ खाया भी नहीं। चलें आए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। पुप्पो अच्छा चलें, आपने नहीं जाना तो मैं आपके लिए यही लेकर आती हूँ, अपने हाथ से खिलाऊंगी आपको। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना चली जाओ यहां से, और बाकी सबसे भी कह दो कि मेरे कमरे में कोई ना आए। जी अम्मा, पता नहीं क्या हो गया पप्पो को, उन्होंने मुझसे पहले तो कभी इस अंदाज में बात नहीं की। मुझे लगता है शगुफ्ता ने उनके कान भरे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, एक वही तो है जो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है, और अभी मैं उनकी नाराजगी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अम्मा अभी तो बड़े काम कराने हैं उनसे मुझे। कोशिश कर रही हूँ अम्मा, बहुत मुश्किल काम है ये। अरे अम्मा एक कमरा क्यों, पूरे का पूरा घर ही तुम्हारा है। बस कि पप्पा और पप्पी से जान छूट जाए ना तो तुम्हारी बेटी का इराज है, समझो। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, खुशी छुपाए नहीं छुप रही। वाकई आज मैं बहुत खुश हूं, और बल्कि खुशी के साथ साथ हैरान भी बहुत हूं। यही तो पूछ रही हूँ क्यों, मुझे भी बता दीजिए, शायद थोड़ी सी खुश मैं भी हो जाऊं। कल से मिशाल के बारे में जो तुम्हारा मुसबत रवैया चल रहा है ना, उसे देख के खुशी के साथ साथ हैरानगी हो रही है। लेकिन रोशन आ रहा, यतीम बच्ची है, उसे अगर तुम माँ का प्यार दोगी तो वो तो खुश होगी, सो होगी, अल्लाह बहुत खुश होगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, मिशाल हमारी बेटी ही तो है, और फिर वो जो कुछ हमारे लिए और इस घर के लिए कर रही है ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। हमारी अपनी बेटी भी शायद ये सब कुछ ना करती, बहुत अच्छी बच्ची है। एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी तब्दीली आई कैसे है? क्या बात है, कहाँ खो गई? नहीं, मैं सोच रही थी कि मिशाल जैसी हीरा लड़की को मैंने ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की। मिशाल बहुत समझदार है, अकलमंद है, अगर उसे रुहाब की दुल्हन बनाकर इस घर में ले आती तो कितना अच्छा होता। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था मेरी अकल को। चलो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन परवीन भी कोई बुरी चॉइस नहीं है, वही बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी सुंदर। हाँ, पहले मैं भी यही समझती थी, मगर कुछ नहीं, आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है, पप्पो ने पहले तो कभी मिशाल से इतने मीठे अंदाज में बात नहीं की, तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। जरूर कोई गड़बड़ है, पता करना ही पड़ेगा।
बातों का विशाल के साथ बदला हुआ रवैया अम्मा मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अब इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ कोई गड़बड़ जरूर है। अच्छा, कहीं शगुफ्ता ने तो कान नहीं भर दिए रोशन आरा के? अरे नहीं नहीं अम्मा, इस दफा मामला कुछ और है। पता है विशाल ने ऑमलेट उनके सामने रखी तो हाय अम्मा तारीफों के पुल बांध दिए, हद से ही गुजर गई। हर नवाले पर तारीफ, हर नवाले पर तारीफ। ये क्या हो गया रोशन आरा को, इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? इसी बात पे तो परेशान हूँ अम्मा, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। पता है मैंने फूफो के सामने पराठा रखा तो कहने लगी मेहमान नहीं हूँ, जो चाहिए होगा खुद ही ले लूंगी। या अल्लाह ये क्या हो गया। अरे एक रोशन आरा ही तो थी जो तेरी मुट्ठी में थी, जिससे तू हर अपनी बात मनवा लेती थी। देख अगर वो तेरे हाथ से निकल गई ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अम्मा मुझे डराओ नहीं, बस ऐसा करो तुम फौरन आ जाओ, मिलके पता लगाते हैं कि मसला क्या है। चल ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। अल्लाह हाफिज। सुनो सुनो, ये किसके लिए चाय जा रही है? जी मशाल बीबी के लिए। इधर दो, तुम जाओ और अब्दुल्ला के कपड़े धोकर इस्त्री करो, जाओ जाओ जल्दी करो। चाय अल्लाह का शुक्र है अम्मा तुम आ गई हो, मेरा तो टेंशन से ना सारी पता जा रहा था। मैं पता है इन्होंने ना, इन सब ने मिलके घर वालों ने ना मेरे खिलाफ यहाँ पे मैदान जंग खोला हुआ है, उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। तो तू रुहाब से क्यों नहीं पूछती? क्या पूछूं उससे, क्या पूछूं उसको, क्या पता, वो तो अपने ख्यालों में गुम रहता है, उसे तो मैं नजर ही नहीं आती। ये सारी मिली भगत ना, ये मिशाल और शगुफ्ता की दोनों चुड़ैले हैं, पप्पो को इन्होंने ना मेरे खिलाफ भड़काया है। उनकर कोई कुछ नहीं कहता लेकिन 24 घंटे मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मुझे पता है इस बात का। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारी फुप्पो तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गई? अरे वो तो तुम्हारे हमेशा सदकेवारी जाती थी, और विशाल, विशाल तो उनको जहर लगती थी, उसके बारे में तो वो एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती थी। है ना याद है ना तुम्हें, फुप्पो मेरे खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनती थी। पता नहीं क्या हो गया, काया पलट गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विशाल है ना, इसने जरूर तेरी फुप्पो पे कोई जादू गंडा कर दिया है। ठीक कह रही हो अम्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ खोल के पिता है। फूफो बिल्कुल ही बदल गई हैं, मुझसे बात ही नहीं करती, आंखें इधर रख ली हैं उन्होंने। पहले मैं इतनी लाडली थी, अब तो मेरी कोई औकात ही नहीं है इस घर। अम्मा जरा पता तो लगाओ ये किस बाबे के पास जाती है। मैं कहाँ जाऊँ बाबों को ढूंढने, हैं मैं कहाँ से पता करूँगी, खुद पता कर। तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे बैठ के सिर्फ ड्रामे और रिमोट से चैनल चेंज करती रहती हो और खाती रहती हो? बेटी की कोई फिक्र नहीं है, यहाँ मेरी जान हलकान हो रही है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, पता तो करो ना। और मैं क्या ख्याल करूँ तेरा, सारी जिंदगी बस ख्याल कर लिया, थक गई मैं ख्याल कर करके। अब मैं सबको कैसे बताऊं कि परवीन और भाभी की हकीकत मैं जान चुकी हूँ। अगर इन्हें पता चला कि परवीन ने हमाद के साथ मिलकर मिशाल की जिंदगी बर्बाद की थी तो ये तो परवीन को घर से निकाल देंगे, रुहाब मुझसे दूर हो जाएगा। उफ, मेरा ही दिमाग खराब था कि जो हीरे जैसे बेटे के लिए उस जाहिल गंवार लड़की को ब्याह कर ले आई। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है मैंने, अब क्या करूं? अगर रुहाब के बेटे की मां ना होती ना तो आज ही हाथ से पकड़कर इसे घर से निकाल देती। या अल्लाह क्या करूं मैं। मैं तो समझी थी बेटी की तकलीफ तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है, लेकिन नहीं अम्मा नहीं, तुम्हें तो पैसे की तलब यहाँ खींच कर लाई है। अरे तो क्या करूँ, मुश्किल वक्त में इंसान अपनों के पास ही जाता है ना। हाँ तो आपके पास पैसे होंगे भी ना, तो फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं देगा वो। अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा दामाद कितना मरचूट और कंजूस आदमी है, लेकिन रकम तो मैं भाई साहब से लूंगी। राशिद कह रहा था कि 2 साल के लिए कर्जा ले लो अम्मा, थोड़ा थोड़ा करके लौटा देंगे।
खुदा का वास्ता है अम्मा, तुम लोगों को शर्म तो नहीं आती? और ये कैसा भाई है जो बहन के ससुराल में आके पैसे मांग रहा है, और तुम भी चली आई मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए? यहाँ पे मेरा रहना दोगर हो गया और तुम झोली फैला के यहाँ पे आ गई हो पैसे मांगने। अरे ये क्यों भूल जाती है कि तेरा ससुराल होने से पहले तेरे ससुर जो है वो तेरे फूफा भी हैं, समझ गई? और बहुत हक है हमारा भी उनके पैसों पे। आज तो मैं रकम लेके ही जाऊंगी। बैठी रहो फिर, तुम आराम से बैठी रहो, पैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें, ये मैं बता रही हूँ तुम्हें अम्मा। हाँ, अरे आपने तो देर से आना था, अब जल्दी आ गए। जल्दी फ्री हो गया था इसलिए आ गए थे। तुम इतनी तैयार क्यों हो रही हो, किसी शादी पे जाना क्या तुम्हें? जरूरी तो नहीं कि किसी फंक्शन पे जाना हो तभी बंदा तैयार हो, वैसे दिल कर रहा था तैयार हो गई। तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसी लग रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम किसी सर्कस में काम कर। अरे मजाक करो यार। अच्छा अपना मूड ठीक कर और प्लीज ये लिपस्टिक थोड़ी सी हल्की कर। राशिद हमारी नई नई शादी हुई है, इतनी लिपस्टिक तो ठीक लगती है मेरे ख्याल से। देखो आरफा, पहली बात तो ये है कि ये तुम्हारी पहली शादी है, और दूसरी अपनी उम्र भी देखो। इस उम्र में ये शोक व चंचल कपड़े, इतना हैवी मेकअप ये अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मुझे ये औरतों का फिल्मी हीरोइन की तरह इतना तैयार होकर घर में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाओ मुंह धो के। वो भाई साहब, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। जी जी कहो शाग्रा बहन। दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़ा सा कर्ज अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शाग्रा, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। आपकी माफी मांगने से क्या होगा, आपकी बीवी ने मेरी इतनी तजलील की है, इतना जलील तो कोई अपने मुलाजिम को भी नहीं करता। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि रोशन आरा मेरे साथ इस तरह का सलूक करेगी। मैं तो अपना समझ के आई थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं आइंदा इस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगी। शाकरा, तुम बात को गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अब मैं यहां से जा रही हूं और कभी मुड़ के भी इस घर में नहीं आऊंगी। बहुत दिल दुखाया है आप लोगों ने मेरा। शाग्रा देखो मेरी बात सुनो। गलती हो गई मुझसे, अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे। मैं अपनी बेटी का ससुराल नहीं बल्कि अपने भाई का घर समझ के आई थी, और जाहिर है बुरे वक्त में इंसान अपनों ही से तो मदद मांगता है। लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी, मैं जा रही हूं, अब कभी भी नहीं आऊंगी। अच्छा, अरे बात तो सुनो शाकरा। आज तुम्हारा रवैया शाकरा के साथ कुछ गैर मुनासिब नहीं था। उन्हें क्या जरूरत थी यहाँ आकर रकम का तकाजा करने की, करें वो और भुगते हम। लेकिन ये बात आराम से भी तो की जा सकती थी। तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था, नाराज होकर गई है वो। अच्छा है, यही तो मैं चाहती थी कि एक दफा वो नाराज होकर यहाँ से जाए और फिर कभी ना आए। ऐसी लालची औरत को मैं अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए क्या कह रही हो तुम, मेरी भाभी है तुम्हारी। जानती हूँ। अरे कल तक तो तुम उन पे जान निछावर करने को तैयार थे, आज क्या हो गया? हाँ, जब भी वो यहाँ आती है ना, परवीन को पटियाँ पढ़ा के जाती है, हमारे खिलाफ उसे वर्गलाती है। इसलिए मुझे इस घर में उनकी मदाखलत और आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं है, बात कुछ और है। आप तो बाल की खाल ही निकालते रहते हैं, जब कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है तो नहीं है। शब्द तुम्हारी मर्जी है। अम्मा कहाँ पे, नजर नहीं आ रही? उन्होंने कहाँ जाना है, हफ्ते के 10 दिन तो अपनी बेटी के घर होती हैं। वैसे हमारे यहाँ ना बेटियों के घर का पानी पीना भी हराम होता है, और वो वहीं बैठी भी होती है। जितना सवाल पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दिया। अच्छा बाबा,
माफ कर दें, गलती हो गई। ये बताएं कैसी लग रही हैं? ये आज तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे। वैसे मैंने नोट किया तारीफ करने के मामले में आप इंतहाई कंजूस हैं। अब तो आपकी पसंद के मुताबिक मेकअप भी हल्का कर लिया, आप तो तारीफ कर दें। अच्छी लग रही, अब खुश? चले बाहर चलते हैं। किस लिए? खाना खाने के लिए, थोड़ा घूम फिर आएंगे, मूवी फिर कभी देख लेंगे। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर तुम्हारा बहुत दिल चाह रहा है तो तुम गुड्डू को साथ ले जाओ। गुड्डू के साथ जाने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं और आप चल रहे हैं बस। लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं अफोर्ड नहीं कर। और मैंने भी कह दिया था कि बिल मैं दूंगी। भाई दुकान का किराया आया है, और पैसे भी। अब आप वो बातें ना शुरू कर दीजिएगा कि बीवी के पैसों पर शौहर का कोई हक नहीं होता। जो पैसे मेरे हैं वो आप ही के हैं, उठे चले ना। वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है एक बार भी आप मुझे घुमाने नहीं लेके गए। क्यों? हनीमून पर लेकर तो गया था मैं, भूल गई क्या? अरे उसको तो बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलें, उठे। अरे मुझे चेंज तो करने दो। क्यों भाई, ठीक ठाक कपड़े हैं, इस समय आप हैंडसम लग रहे हैं। जूते चेंज कर लो। हाँ चल। सबसे कीमती चीज मांगने आई हूँ। तू शर्मिंदा कर रही हो रोशना, मेरा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। भाभी, भाईजान, तो बस फिर आप मुझे अपनी परवीन दे दीजिए। हमें ये क्या किया है? आप मेरा रिश्ता परवीन के साथ कैसे तय कर सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुमने मिशाल से शादी करने का सोचा था तो मैंने तो कोई एतराज नहीं किया था, दिल पे पत्थर रख कर राजी हो गई थी ना, तो फिर अब तुम भी हमारी इज्जत रखो। देखिए ये मेरी जिंदगी का सवाल है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं परवीन से शादी नहीं करूँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो ये मामला सेटल कर लीजिए। अम्मी, अम्मी। हाँ। मेरे बच्चे। अब कैसी तबीयत है मैं आपकी? मैं नहीं चाहती कि तुम जिंदगी में और धोखे उठाओ, इसलिए मैंने परवीन को तुम्हारी बीवी बनाने का फैसला किया था। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे करूं, आपकी कोई बात नहीं टाल सकता। मैं परवीन से शादी करने के लिए तैयार हूं, आप आराम करें। अरे वामी, आपने तो बड़े बड़े एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। क्या दुख भरा लहजा था आपका, क्या फैमिली डायलॉग्स थे, मैं तो फैन हो गई आपकी। देखा तुमने कैसे दो मिनट में हाँ निकलवाई ना इससे। अम्मी के रवैये में तब्दीली देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम उनका दिल जरूर जीत लोगे। तुम हो इतनी अच्छी कि कोई तुमसे ज्यादा देर नफरत नहीं कर सकता। हाँ लेकिन शगुफ्ता, मैं थोड़ा हैरान हूँ, ताईजान में सडनली इतना चेंज। ये सोचकर तो मैं भी हैरान हूँ। चलो जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा क्या करें, कॉफी पिए? आइडिया अच्छा है, तुम एक काम करो कॉफी बनाओ, मैं मरियम को देख कर आती हूँ। ठीक है। खुशाइन बात यह है कि विशाल के बारे में तुम्हारे ख्यालात चेंज हो गए हैं। बड़े एहसानात हैं उस बच्ची के हम सब पे। तुम ठीक कह रही हो, हमें अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ लेकिन तलाक के बाद अच्छे रिश्ते मिलना काफी मुश्किल है। तुमने बात की उससे? की थी लेकिन वो मान नहीं रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं मना लूंगी उसे। विशाल की शादी हो जाए तो उसके बाद हमें रुदाब के बारे में सोचना चाहिए। किस तरह
अकेले सारी जिंदगी गुजारेगा और फिर उसकी बच्ची होगी तो माँ की जरूरत। तुम कुछ सोचना पड़ोगी? एक लड़की है मेरी नजर में जो फातिमा को माँ का प्यार दे सकती है। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम मिशाल की शादी प्रदाप से कर दें। हाँ, ऐसी क्या अनहोनी बात कर दी मैंने जो आप इतना हैरान हो रहे हैं? मेरा दिल नहीं मानता इस बात के लिए। बेहतर है कि हम आइंदा ये बात ना करें। लेकिन क्यों? तुम्हारे इस बात के बहुत सारे जवाब हैं मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि वो दोनों इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, जब शादी हो जाएगी ना तो दोनों एक दूसरे की तरफ माइल हो ही जाएंगे। वैसे भी रुदाब ने एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है। मिशाल घर की लड़की है, देखी भाली है, समझदार है, और फिर उसके भी तो रिश्ते आएंगे। अगर उसकी कहीं और शादी हो गई तो फिर फातिमा का क्या होगा? आप तो जानते हैं फातिमा और मिशाल एक दूसरे से कितने अटैच्ड हैं। एक तो तुम खावतीन पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। सोचना पड़ता है रिया साहब। वैसे अब मैं समझा तुम्हारा रवैया मिशाल के साथ बदल क्यों गया है। पहले तो तुम उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं अपनी उन गलतियों का अजाला करने के लिए ही ये बात कर रही हूँ कि रुदाब की शादी मिशाल से कर दी जाए। मिशाल बहुत समझदार, बहुत अच्छी लड़की है और उसने जो कुछ भी हमारे घर के लिए किया है मैं वो भूल नहीं सकती। हाँ, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा जरूर हूँ। मिशाल बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। तुम औरतों का भी जवाब नहीं है। पल में तोला, पल में माशा। वाह भाई, किचन के बहुत चक्कर लग रहे हैं आजकल। मुझे तो लगता है फातिमा एक बहाना है। असल मकसद तो भुक्कू को अपनी मुट्ठी में करना है ना। और हाँ भाई, वो क्यों ना तुम्हारी बातों में आवे, तुम पे मेहरबान क्यों ना हो। उन्हें 24 घंटे की मुफ्त एक आया जो मिले। आप तमीज से बात नहीं कर सकती हैं? मैं ऐसे ही बात करती हूँ और जो बात करती हूँ ना वो सच करती हूँ, और सच बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझी तुम। जहां तक भुक्कू का ताल्लुक है, फसालों उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपने शोहर के इर्द गिर्द कहीं मंडराते हुए देखा तुम्हारा वो मशक करूंगी कि दुनिया देखी। बेकार की बहस कर रही हो मेरे साथ। मिशाल और रुदाब की शादी नहीं हो सकती, कह तो दिया तुम्हें एक दफा। अबू, क्यों नहीं हो सकती? बेटा, उनकी उम्रों में बहुत फर्क है। अब ऐसा भी कोई खास फर्क नहीं है उन दोनों की उम्रों में, सिर्फ 10-12 साल का होगा ना, और अम्मी भी तो आपसे 12 साल छोटी हैं। ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन उनके मिजाज ही नहीं मिलते आपस में। लेकिन अबू, मुझे लगता है कि रुदाब के लिए हम मिशाल के अलावा किसी भी लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पता नहीं कोई और लड़की आके फातिमा के साथ कैसा सलूक करे। चलो, इस बहाने तुम माँ बेटी ने मिशाल को अपना तो माना, पता लग गया कि वो भरोसे काबिल है, वरना पहले तुम दोनों उसके नाम से ही चिढ़ती थी। वो तो बेशक हमारी गलती थी अबू, लेकिन सच तो ये है कि मिशाल से बढ़कर फातिमा को माँ का प्यार कोई भी लड़की नहीं दे सकती। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि वो दोनों इस शादी पर राजी होंगे। बहरहाल तुम ऐसा करो, तुम उनसे बात करके देखो, अगर राजी हो जाएंगे तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ फिर उन दोनों से। आप चाय पियेंगे अबू? पी लेंगे, मैं लेकर आती हूँ। पुप्पो, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी।
अगर आप नाराज ना हो तो पूछो। कोको, वो आजकल आप मुझसे इतनी खिंची खिंची क्यों रहती हैं, इतनी रूखी रूखी? पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ, इसलिए कि मेरी आंखें खुल गईं। क्या मतलब? मतलब जानकर तुम क्या करोगी? काफी होशियार हो, खुद ही समझ जाओ। बस इतना समझ लो कि आंखें खुल गई हैं मेरी। बहुत अरसे तक तुमने हम सबको बेवकूफ बना लिया, अब और नहीं। पप्पू, ये क्या कह रही हैं आप? अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे, लेकिन इस तरह मुझसे मुंह ना मोड़े। आप जानती हैं मैंने कभी आपको अपनी सास नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ अब्दुल्ला के खातिर। वरना अब तुम्हारा इस घर में रहना बनता नहीं है।